कैबिनेट का आज विस्तार होगा। पीएम मोदी की तर्ज पर सीएम खट्टर भी परफॉर्मेंस के आधार पर कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकते हैं। नए मंत्री चंडीगढ़ में शाम 5 बजे शपथ लेंगे। खट्टर कैबिनेट में कई नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल और रोहतक से विधायक मनीष ग्रोवर को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। बावल से विधायक बनवारी लाल को भी खट्टर अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। सीएम खट्टर अनिल विज ने खेल विभाग लेकर कोई बड़ा विभाग देकर उनका प्रमोशन कर सकते हैं, जबकि रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु के कई विभागों पर कैंची चल सकती है। उसके बाद अकाली दल नेता ने मांग की भगवंत मान सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने भगवंत मान को तलब किया है। हालांकि संसद से निकलने के बाद मान ने कहा कि हम और वीडियो बनाएंगे, चाहे लोकसभा के स्पीकर से शिकायत कर दो। उन्होंने कहा कि मैंने गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं किया है, सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया है, और अगर ऐसा है तो मैं कल भी ऐसा वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में संसद भवन की बेहद गोपनीय सुरक्षा का खुलासा किया गया है। वीडियो में संसद के एंट्री गेट अंदर कौन कौन लोग कहां कहां बैठते हैं दिखाया गया है। संसद की कार्य प्रणाली कैसे संचालित होती है, इस वीडियो में मान ने पूरा खुलासा कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान और चीन की सेनाओं ने इस इलाके में ज्वाइंट गश्ती है। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली की वेबसाइट पर प्रकाशित तस्वीरों के मुताबिक शिनजियांग में पीएलए के फ्रंटियर रेजिमेंट और पाकिस्तान के बॉर्डर पुलिस के जवान चीन पीओके बॉर्डर पर गश्त करते दिख रहे हैं। पीपल्स डेली इस इलाके को चीन पाकिस्तान बॉर्डर कह रहा है, जबकि शिनजियांग की सीमा केवल पीओके से लगती है। भारत सरकार पीओके को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानती है। कश्मीर के हालात को लेकर पाकिस्तान में आयोजित हुई भारत विरोधी रैलियों और दूसरे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवाद को प्रोत्साहित और समर्थन करने की कड़ी भर्त्सना करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त के समक्ष मार्च और प्रदर्शनों से पैदा हुए खतरे को देखते हुए पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों एवं उनके परिवारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पीएम मोदी ने शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर 8 और चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। इस भारत और बांग्लादेश आने वाले समय में आर्थिक ऊंचाई हासिल करेंगे। पीएम मोदी ने शेख हसीना को ईद की भी मुबारकबाद दी। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा है। भारत से जो भी संभव मदद होगी वो की जाएगी। युवक की गिरफ्तारी कोची में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जाकिर नाइक के IRF फाउंडेशन से जुड़े अरशद कुरैशी को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ कोची में IPC की कई धाराओं के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे नवी मुंबई की बेलापुर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 25 जुलाई तक केरल पुलिस की ट्रांजिट रिमांड में पेश किया गया। केरल पुलिस अब उसे कोची की अदालत में पेश करेगी। जाकिर को यकीन है कि मोदी हिंदू मुसलमान के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने में सफल होंगे। ये भरोसा उन्होंने सऊदी के शहर जेद्दा में बैठकर दिए अपने इंटरव्यू में जताया है। ढाका हमले के आतंकियों के पास से कुछ ऐसे सबूत मिले थे जिनसे पता लगा कि आतंकी जाकिर नाइक को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। तभी से जाकिर की मुश्किलें बढ़ी हुई है। जाकिर ने कहा कि मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने सारे मुस्लिम देशों का दौरा किया, और वह भी सिर्फ 2 सालों में। इससे भारत और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते सुधरेंगे, हिंदू मुसलमान के रिश्तों में भी मजबूती आएगी। अगर मोदी हिंदू मुसलमान के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे तो मैं उनका साथ जरूर दूंगा। सूत्रों की माने तो मायावती दयाशंकर सिंह पर बीजेपी के फैसले से ही संतुष्ट हुई, और यही वजह है कि गुरुवार को राज्यसभा की कार्रवाई में कोई दखल नहीं दिया गया। सूत्रों बताते हैं कि दोपहर में दयाशंकर सिंह को पार्टी के यूपी उपाध्यक्ष के पद से हटाने की जानकारी बीजेपी की ओर से मायावती को दी गई थी। इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास ने मायावती से आग्रह किया कि अब आपके सांसद सदन की कार्रवाई में रुकावट उत्पन्न न करें।
लेकिन इसके बाद भी मायावती मनाने को तैयार नहीं हुई। मायावती ने नकवी से साफ साफ कह दिया कि जब तक बीजेपी दयाशंकर सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से नहीं निकालेंगी, तब तक सदन की कार्रवाई को उनके सांसद नहीं चलने देंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं के लिए भूत प्रेत को कारण बताया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये बयान उनका नहीं बल्कि मृतकों के परिवारों के थे, जो उन्होंने सदन में सिर्फ सामने रखे। दरअसल कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने सवाल पूछा था कि सीहोर जिले में पिछले 3 सालों में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। इसी के जवाब में सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 3 सालों में यहां लगभग 400 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन लिखित जवाब में 2 किसानों की आत्महत्या के पीछे जब वजह भूत प्रेत को बताया गया तो हंगामा खड़ा हो गया। किरकिरी होती देख गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ किया कि सीहोर जिले से जो जानकारी सामने आई है वही जानकारी उन्होंने सदन में दी है, इसे उनका खुद का बयान न समझा जाए। उन्होंने JDU द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति पर हुई इस अमानवीय घटना के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपित गरु रक्षा दल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कुमार ने कहा है कि पार्टी ने शरद यादव की अगुवाई में वहां सांसदों को प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय किया है, जो वहां पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द साझा करेगा। उन्होंने कहा कि JDU प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके गृह राज्य में हुए इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग करता है। नीतीश कुमार ने कहा कि दलितों पर हो रहे ऐसे हमलों से गुजरात में कानून व्यवस्था की स्थिति का पर्दाफाश हुआ है। महिला समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3रे को दबोचने के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र के खरादी मोहल्ले की है। खरादी मोहल्ला के एक मकान की छत पर पिछले कई दिनों से ये झंडा लगा था। किसी ने इसकी रिकॉर्डिंग कर कल सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर और वीडियो क्लिप डाल दी। इसके बाद मामले की जाँच करने गुरुवार की सुबह SP कुमार आशीष, SDO सुधीर कुमार, DSP शेफुरहमान सहित कई थानों की पुलिस वहां पहुंची। पकड़ी गई महिला ने पाकिस्तानी झंडा लगाने की बात स्वीकार की है। ऐसी खबरें हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को 10 पूर्व चेयरपर्सन की सूची मिली है। इनमें से 1 को सर्च कमेटी बनाए जाने पर उसमें शामिल किया जाएगा। मित्तल को 31 दिसंबर 2014 को नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे रेलवे बोर्ड में मेंबर और केंद्र सरकार में सेक्रेटरी थे। अभी तक रेलवे बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट करती रही है। इसमें कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार रेलवे बोर्ड और जनरल मैनेजर्स इस पद के लिए योग्य होते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में गैर NPT देशों को शामिल किए जाने पर बार बार अपना रुख बताया है। प्रवक्ता ने लोकसभा में बुधवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दिए बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की, जिन्होंने कहा था कि भारत NPT पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। उन्होंने कहा ये जिक्र करना लाजमी है कि नए सदस्य बनाने के तरीके के लिए चीन नियम नहीं बनाता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने काफी समय पहले ही ये आमराय बना लिया था कि NPT अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था की NPT बुनियाद है। उनके मुताबिक इस समय हिरासत में बंद 5 संदिग्ध 31 साल के मोहम्मद एल बुहलेल की मदद में अपनी कथित भूमिकाओं के लिए आतंकवाद के शुरुआती आरोपों को सामना कर रहे हैं। बुहलेल ने 14 जुलाई को दक्षिणी फ्रांस के नीस शहर में ट्रक से दर्जनों लोगों को रौंद दिया था। आतंकवाद संबंधी जांच की देखरेख करने वाले एजेंसी ने हत्या में सहभागिता और एक आतंकी समूह से संबंधित हथियारों रखने सहित कई आरोपों को लेकर संदिग्धों के खिलाफ न्यायिक जाँच शुरू कर दी है। कोहली ने अहम क्षणों पर पारी को मजबूत करने की बागडोर अपने हाथों में लेते हुए 197 गेंदों का सामना कर 16 चौके लगाए। अपनी इस पारी के दौरान कोहली ने टेस्ट करियर में 3000 रन पूरे किए। पहले दिन के खेल की समाप्ति पर कोहली नाबाद 143 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। कोहली ने पारी को संभालने की दिशा में धवन के साथ 3रे विकेट के लिए 105, अजिंक्य रहाणे के साथ 4थे विकेट के लिए 57 और 5 विकेट के लिए रविचंद्र अश्विन के साथ 66 रन जोड़े।